अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों को शाबान की मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ। ये महीना जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पे अल्लाह ताला ने फिर एक बार मौका दिया है हमको इबादत करने के लिए और अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करने के लिए। इसके बाद रमज़ान आएगा तो इंशाल्लाह हम जो है इबादत में मशगूल होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। पहली बात, मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ कि देर वर लॉट ऑफ रिक्वेस्ट विच हैज़ कम टू माई पर्सनल विंडोज एंड ऑल्सो माई कोलीग्स हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पीपल। सॉरी, मैं आप लोगों को उर्दू में बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं कि जानने के लिए कि एंड टू एंड इवेंट जो हम लोगों ने शेड्यूल किया है इस कमिंग सैटरडे हफ्ते के दिन 8:30 से लेकर 11:30-12:30 तक रहेगा इंशाल्लाह। तो ये जो 3-4 घंटे का जो इवेंट है, इस इवेंट का क्या मकसद है, क्या हम लोगों को फ़ायदा होगा, तो आपको मैं थोड़ा सा इसका मकसद बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर सकता था मैसेजेस अलग अलग, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो करके भेज दूँ कि वेरी सिमिलर इंक्वायरीज था। तो ये कैसे कैसे लोग अटेंड करना है, ये ऐसे हर बिजनेसमैन जिसका कारोबार बड़े भले करोड़ों में हो या उसका कारोबार बहुत छोटा हज़ारों में है, ये दोनों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें अटेंड करना। क्योंकि हम लोग वो सारे चीज़ें देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। एक तो एक छोटा बिजनेसमैन जो 15-20-25 हज़ार जो हमारे आवाम में हमारे कौम में खासकर ये 90% 95% बिजनेस हाउसेज जो हैं इसी रेंज में रहते हैं 15-20-25-30, और ये सालों से करते हैं भी यही रेंज में रहते हैं, कभी आगे बढ़ते ही नहीं है। और कुछ लोग जो है करोड़ों के बिजनेसमैन है लेकिन वो अगर अपने अंदर तब्दीली नहीं लाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप अगर ये सोचें कि हमारे पास खानदानी बिजनेस है, हमारे वालिद वालिदा हमारे या हमारे दादा वगैरह चलाए हुए बिजनेस को हम ऐसा ही चलाएंगे, तो ये अभी आगे नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को बदलना है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि भाई हम उसी रफ्तार में उसी तरीके से हम बिजनेस करेंगे तो ये जो है तब्दीली नहीं लाएंगे, तो आप जैसे डायनासोर जैसा बड़ा जानवर जो है क्लाइमेट चेंज को अडैप्ट नहीं कर पाया और गायब हो गया, तो आप लोग भी जो है अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप करोड़पति से लखपति बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो ये फिर से सुन लीजिए, करोड़पति से लखपति बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ज़रूरी है आप कुछ चीज़ों को सीखें, और ये हमारा मकसद है कि वो चीज़ों को आपको सिखाया जाए। ये है करोड़पतियों के लिए। अब रहा 15-20-25-30 हज़ार के रेंज में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है इसमें, तो आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। JW मैरियट में हमारा जो एक इवेंट था जिसमें करीब 250-300 लोग पार्टिसिपेट किए थे, उस इवेंट में बहुत सारा शोर मचा था, बहुत मीडिया था, बहुत लोगों का स्पीच चल रहा था, बहुत सारा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था बहुत अच्छे तरीके से। JW मैरियट जो एक 5-स्टार होटल है उसमें खाने पीने का इंतज़ाम किया था, तो लोग बहुत इन्जॉय किए। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग जो हैं कुछ और करते थे जो हम नहीं कर रहे थे, हम लोग कुछ और चीज़ों में मशगूल थे, ये लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस की तरफ तवज्जो दी। कि वो मुलाकात जो पहली मुलाकात है उस मुलाकात को उन लोगों ने इस तरीके से आगे ले गए कि 3 साल में 1000 पति करोड़पति बन गया। तो ये 3 साल 2-3 साल में 1000 पति करोड़पति का जो जर्नी है ये हमको मतलब बहुत इन्फ्लुएंस कर गया, हमको लगा कि बहुत इंप्रेसिव है। ऐसा हम लोगों को बहुत सारा डेटा मिला, बहुत लोगों ने कामयाबी लिया, लेकिन इसमें से ये खास दो लोग हैं जिनको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब इनका जर्नी जो है आपको सीखना है कि इतने बड़े मजमे में जब हम दावत में जाते हैं, कहीं पर भी शादियों में जाते हैं, तो मजमे में भी लोग जो है एक दूसरे से नई मुलाकात होती है, तो इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट हो सकता है, ये जो है हमारे सामने रियल टाइम मिसाल है। तो हम लोग उनका पूरा इन्वेस्टिगेट किए, उनका रिपोर्ट बनाए और इन लोगों को आपके सामने रखना है, और आप इन लोगों से आप डिस्कस करेंगे और पहचानेंगे भाई आप लोग ये कैसे किए। उस इतने माहौल में जब हम कुछ और कर रहे थे, आप बिजनेस के बारे में कैसा अपने आप को मशगूल किया, और आज जो है एक छोटी सी मुलाकात उस वक्त की आज करोड़ों की बिजनेस तक लेके गई। तो ये मुलाकात जो नेटवर्किंग उस वक्त हुआ उसका ये नतीजा था। तो हमारा तो ये फिजिकल मीटिंग हमारा ये पहला दूसरा ये तीसरा फिजिकल मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग हम ज़्यादा नहीं किए। तीसरी मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह यस MIA के साथ में हम कोलाबरेट थे लास्ट इवेंट में, लेकिन हमारा नहीं था वो इवेंट, वो MIA का था। हमारा जो इवेंट है खास हमारा ये तीसरा इवेंट है, और इस तीसरे इवेंट में जो फिजिकल इवेंट है इसमें हम चाहते हैं कि हमारे सामने पहले इवेंट वाले को जो फ़ायदा हुआ वो बताएं। तो आपको हम साबित करना चाहते हैं या आपको एक मिसाल पेश करना चाहते हैं कि भाई हमारी जो मेहनत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल करता है, उससे आवाम को फ़ायदा होता है और आपको भी इंशाल्लाह आगे चलकर फ़ायदा होगा। तो इसमें अटेंड करिए और सीखिए इन लोगों से, इन लोगों ने एक छोटा सा छोटे मौके को कितने बड़े से इन लोगों ने तब्दील किया और आज वो करोड़पति और करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। ये एक पहला मकसद है। दूसरा मकसद है
ये हो गया आपका एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस फील करेंगे इस इवेंट में। दूसरा है आपको लर्निंग और नॉलेज देंगे, आपको सिखाया जाएगा और आपको बहुत सारे स्किल्स दिए जाएंगे और इसमें एक वर्कशॉप भी कंडक्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये नेटवर्किंग से आप कैसा फ़ायदा हो। तो इसमें आपको कुछ स्किल सेट हैं जो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो उस दिन बैठे रहेंगे आपके सामने, और बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स भी आएंगे इंशाल्लाह, जो लोग बहुत सारा कामयाबी अचीव कर चुके हैं अपने ज़िंदगियों में, वो लोग भी आएंगे आपके साथ में बात करेंगे और आपके साथ में आपको सिखाएंगे। और इसमें एक अहम एक ऐसा चीज़ है जो अनफोल्ड योर फॉर्च्यून करके जो हमने एक नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, वो एक इनोवेशन है। तो हमारे यहाँ जो है बहुत मेहनत होती है उस पर, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, बैक होम रात दिन मेहनत करती है। आपके सामने एक अच्छा प्रोग्राम रखने के लिए हमारे यहाँ बहुत मेहनत होती है बैकएंड में। मकसद यही होता है कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए। ये सारे वॉलंटियर्स हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी ये लोग दिन रात एक कर देते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसे साथी हमारे साथ हैं जो इतनी मेहनत लगाते हैं जिसके लिए, सिर्फ आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम को रखने के लिए। 1250 में जो प्रोग्राम है, इसके खाने पीने का इंतज़ाम अगर आप जाके पूछे होटल में तो वो 1450 मांगेगा। इसके बावजूद भी हम लोग इसमें इसलिए कीमत कम रखेंगे, वरना ये 10-15 हज़ार रुपये का एक प्रोग्राम है जो हम कम से कम रख कर आपसे पूछ रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा मकसद पूरा होगा और आपका भी इंशाल्लाह, मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो पैसा और वक्त आपका जो ज़ाया होगा उसमें, उससे तिगना या चुगना कम से कम आपको फ़ायदा मिलेगा इसमें, और इंशाल्लाह आप खुशी खुशी कुछ लेकर घर जाएंगे। ये हमारा मकसद है। दूसरा, तीसरा जो है, आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे वहाँ पे, बहुत सारा नेटवर्किंग का फ़ायदा मिलेगा, तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको लर्निंग और आपको स्किल सेट आपको डेवलप करने के लिए मौका मिलेगा। तीसरा, आपके पास एक नेटवर्क बिल्डिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और तीन तरीके का नेटवर्किंग करने का, आपको ओपन नेटवर्क और क्लोज वन ऑन वन नेटवर्क, ये दोनों अलग अलग तरीके से आपको पेश किया जा रहा है इसमें इंशाल्लाह। इसके बाद और कुछ आइडियाज़ भी डिस्कस करेंगे, कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ भी आपके सामने रखेंगे। तो बहुत कुछ है इंशाल्लाह। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और मैं कहता हूँ, देखिए आज की तारीख में बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमारे यहाँ कुछ आगे बढ़ना है, हमको अगर अपने आप को साबित करना है कि हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और बहुत सारे तब्दीली हमको लाना है। शाहरुख खान जैसा स्टार भी आज की तारीख में आज देखा जाए तो अपने अंदर तब्दीली लेके आता है। उसके पास तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, उसके वो स्टारड्रम इतना बड़ा है, लेकिन अपने स्टारड्रम को कायम रखने के लिए उसके अंदर तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है। वो भी एक बिजनेस है, मूवी सिनेमा एक्टिंग इज़ ऑल्सो बिजनेस, कमर्शियल है। तो आप ये सोचें कि अपने अंदर भी तब्दीली लाना, जबकि उसके पीछे तो करोड़ों लोग पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी अपने अंदर तब्दीली लेके आया और एक मूवी भी बनाया जो रिसेंटली जो है बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो लोग बहुत सारे पुराने कारोबार हैं जो बहुत रिच हैं, तो ये सोच के ना रहें कि हमारे पास बहुत सारा माल है, माल जो है कहते हैं हाथ का मेल है, निकल आता है निकल जाता है। अगर उसको बचा के नहीं रखेंगे, उसको अगर सही तरीके से नहीं संभालेंगे, तो हमारी जो है हालत कमज़ोर भी हो सकती है। तो हमारे लिए भी अलर्ट है, तो हम कोशिश करें कि साथ में सीखें, साथ में आपस में अपना बिजनेस नेटवर्किंग स्ट्रांग करें, और कोशिश करें कि हम भी एक टॉप एंटरप्रेन्योर बने, हमारे स्टार्टअप्स भी कामयाब हो। और ये स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम है, यंगस्टर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि स्टार्टअप भी है जो कंपनी ये 2021 में शुरू हुई, 2023 में आज 1 करोड़ रुपए के आसपास खड़ी हुई है, 2020-21 में शुरू किए वो लोग। तो आपके लिए, और छोटा कैपिटल से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा लेके आए, बहुत छोटा कैपिटल, बहुत आम से लोग, आप में से हम में से वो दो हैं। अब सोचिए, आप में हम में से जो आप लोग मार्केट में मिलते हैं ना, उनमें से दो लोग हैं, छोटे यंगस्टर्स हैं माशाल्लाह। तो आप देखिए, आप उनको विटनेस करिए, आपको बहुत इन्फ्लुएंस भी होगा उनका, और वो लोग इंस्पायर भी करेंगे उनके यू नो कैपेबिलिटी के साथ और उनके स्किल सेट के साथ, और आप बहुत सारे सवाल जवाब भी उनके साथ कर सकते हैं। तो आपसे फिर से गुजारिश है, अटेंड करिए और अपने आप को जो है एक कामयाब एंटरप्रेन्योर साबित करिए, और हमारे कौम को जो है इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा और हम सबको भी फ़ायदा होगा। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, प्लीज़ अटेंड एंड एन्जॉय द इवेंट, थैंक यू।